हेलो दोस्तों, स्वागत है यू कैंपस पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जिन नव प्रवेशी छात्रों को हिंदी एज अ सब्जेक्ट अलाट हुआ है, चाहे वो एफिलेटेड कॉलेज में हो चाहे वो मेन कैंपस में हो, तो इसमें आज मैं हिंदी साहित्य के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जिससे आपकी समझ और आपके पढ़ने का तरीका डेवलप हो पाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और देखने के बाद जो मैं दो चार स्टेप बताऊंगा उसको फॉलो कीजिएगा। बात को समझिए, आप लोगों का रिवाइज्ड सिलेबस आपके टेलीग्राम चैनल पर पहुंच चुका है। आपका रिवाइज्ड सिलेबस टेलीग्राम चैनल पर पहुंच चुका है, उसमें से एक चैप्टर बस रिड्यूस हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर का आपके पद्य में, और बाकी अभी रिड्यूस सिलेबस का कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आया है, जैसे भी आएगा उसके बाद भी आप लोगों तक मिल जाएगा। अब बात को बड़े ध्यान से सिर्फ सुनिएगा और सुनने के बाद फॉलो कीजिएगा। और पिछले 3 साल का पेपर भी आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल गया है, आप वहाँ पर उसका स्वरूप को देख पाएंगे और चीज़ों को समझ भी पाएंगे। बात को बड़ी ध्यान से समझिएगा, आप लोगों के हिंदी साहित्य में 2 पेपर होते हैं बीए प्रथम वर्ष में, और 150 नंबर का होता है। फर्स्ट पेपर भी 75 नंबर का होता है, सेकंड पेपर भी 75 नंबर का होता है। फर्स्ट पेपर में सिर्फ एक बुक यही चलती है, आधुनिक काव्य की। आधुनिक काव्य में जिसमें आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जैसे आधुनिक कवियों को पढ़ना है, जो आधुनिक काव्य है। मतलब अगर आप लोगों को विदित हो, आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा कि 4 काल में हिंदी साहित्य को बांटा गया, इसमें भक्ति का पहले आदि काल, फिर भक्ति काल और रीति काल, और फिर आधुनिक काल। और आधुनिक काल के जो कवि हैं मूलतः छायावाद कवि और छायावादोत्तर कवि, मतलब प्रगतिवाद के कवि हैं, जैसे अज्ञेय जी हुए, सक्सेना जी हुए, मुक्तिबोध हुए, ये सारे कवि हैं। तो मुझे नहीं लगता अभी आप लोग जो पेपर पहला है आधुनिक काव्य वाला, क्योंकि इसमें व्याख्या है, तो जब तक क्लासेज नहीं चलेंगी तो आप लोग अपने से समझ पाएंगे, ये तो मुश्किल है। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम लोग शुरू से ही पढ़ रखे हैं। तो जो पेपर 2 है, पेपर 2 है, उसमें आप बिना क्लास किए भी 75 में से आराम से 60 मार्क्स ला सकते हैं। वो कैसे लाएंगे, कैसे अपने रूम पे रह के आप लोग पढ़ पाएंगे, इस क्रम में मेरी आज की पूरी बात होगी। पेपर पहले भी कोई बात नहीं है, पेपर पहला आप लोग जब क्लास चलेगी तभी संभव हो पाएगा, या फिर आप लोग कहेंगे तो इसकी भी व्याख्या और इसका कैसे आंसर लिखना, इसका भी आप लोगों को डिटेल सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। इसके साथ साथ हमने आप लोगों को ये बताया कि आप लोगों को पेपर जो सेकंड है, जो मूलतः गद्य है, इसमें आपकी ये 5 किताबें चलती हैं। पहला तो एक एकांकी की है, एक नाटक है, एक निबंध है, और एक ये उपन्यास है निर्मला, और एक हिंदी की प्रतिनिधि कहानी है करके ये बुक है। देखिएगा, अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि कैसे पढ़ना है। अगर आप लोग पिछले 3 साल का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, पेपर सेकंड का आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं जूम कर दे रहा हूँ हल्का सा, ये देखिएगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें तो पहले तीन व्याख्या आती है 8-8 नंबर की, समझ रहे हैं ना, 24 नंबर की व्याख्या आती है, जिसमें पहली व्याख्या आपकी निबंध से आएगी, दूसरी कहानी से आएगी, और तीसरी आपकी एकांकी से आएगी। ठीक है, ये तो व्याख्या की बात है। अगर व्याख्या को छोड़ दें तो उसके बाद 3 क्वेश्चन जो है, 3 क्वेश्चन बड़ा वाला आता है 12-12 नंबर का, और 12-12 नंबर का ये हो गया, और टिप्पणी आती है 5-5 नंबर की, 15 नंबर की 3 टिप्पणी लिखनी होती है। ठीक है, अब ये 12 यानी 36 और 15 नंबर, 36, 10, 46, 5, 51 नंबर ऐसे हैं जो आप लोग आसानी से गेन कर सकते हैं बिना किसी की मदद के। इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इसमें 2 प्रश्न आते हैं। या तो आप निबंध कला की दृष्टि से एक दुरासा या कोटस का मूल्यांकन कीजिए, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र अथवा विद्यानिवास मिश्र की निबंध शैली पर प्रकाश डालिए। ये दो, मतलब पहला जो दूसरा प्रश्न है, ये मूलतः आपका सिर्फ और सिर्फ निबंध से होगा, समझ रहे हैं बात को। और जो तीसरा प्रश्न है तो उसमें आपको अथवा का ऑप्शन रहता है, या तो आप कहानी कला की दृष्टि से पुरस्कार अथवा दोपहर के भोजन का मूल्यांकन कीजिए, या फिर निर्मला उपन्यास में अनमोल विवाह की समस्या का मूल्यांकन कीजिए। ये देखिए निर्मला से हर साल आएगा, इसमें हल्का सा प्रश्न का स्वरूप बदलेगा। अगर आप लोग पिछले 3-4 साल का देखेंगे, 10 साल का देखेंगे, तब भी ये प्रश्न हर बार आना है। तो ये क्वेश्चन तो फिक्स हुआ निर्मला उपन्यास। और उसी के साथ साथ जो चौथा प्रश्न है, जिस लाहौर नहीं देखा वो जमाई नहीं, ये नाटक जो अस्कर वजाहत जी का है, ये नाटक से 12 नंबर का, ये 12 दूनी 24 नंबर, और इसमें से ये निबंध के 12 यानी 36 और 15 51 नंबर आपके फिक्स हैं, बशर्ते बिना पढ़े भी आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। आज हम लोग उसी पे हम लोगों का पूरा संवाद होगा, उसी पे पूरी पूरी बात होगी। आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा।
आप लोगों को ये बात तो फिक्स हो गई कि जो हमारे 36 नंबर आने हैं वो हमारे इन तीन किताबों से, जो 51 नंबर आने हैं वो हमारे बस इन्हीं तीन किताबों से आने हैं, जिस लाहौर नहीं देखा, और एक नवीन निबंध संग्रह से आएगा, और एक मुंशी प्रेमचंद की जो निर्मला उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप लोग करना क्या है, ये जो निर्मला उपन्यास है इतनी मोटी सी बुक, इसको जब आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये चीज आपके आसपास ही घटित हो रही है। क्यों घटित हो रही है? क्योंकि ये मुंशी प्रेमचंद का सामाजिक उपन्यास है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र का वर्णन है। ये पूरा का पूरा जो नाटक, ये पूरा का पूरा जो उपन्यास है, जो निर्मला इसकी नायिका है, इसमें इस उपन्यास के माध्यम से यही दिखाया गया है कि समाज में जो एक अनमेल विवाह की अवधारणा है, समाज में जो ये हमारी अवधारणा बनी है कि जब कोई मतलब गरीब घर की लड़की होती है और उसकी शादी के लिए सफिशियंट दहेज प्रथा, दहेज का व्यवस्था नहीं होता है, तो लोग कैसे अनमिल विवाह करते हैं, और इसी क्रम में इसका विवाह तोताराम नाम के एक कोकिल से होता है, और उसी की पूरी त्रासदी को दिखाया गया है। और इसकी छोटी बहन कृष्णा होती है, उसकी भी आप लोग का वर्णन देखने को मिलेगा। और इसको आप लोग जब पढ़ लेंगे तो आप लोग इसके पढ़ने के बाद औपन्यासिक तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा 4 पेज से 5 पेज तक लिखनी होती है, जिसमें लगभग 1000 वर्ड लिखने होंगे, आपको 1000 शब्द लिखने होंगे। तो आप लोग ये करके निर्मला उपन्यास के बारे में आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें इसमें कोई बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत कोई बताएगा भी नहीं है, और वहाँ पे क्लासेज भी चलेंगी तो आपको उपन्यास नहीं पढ़ाएंगे और ना ही बताएंगे। और ऐसे ही आप लोग ये जो नाटक है, जिस लाहौर नहीं देखा वो जमाई नहीं, इससे तो जब मैं पढ़ना शुरू किया था तो एक ही रात में पढ़ना शुरू किया, मन ही नहीं कहा हटने का, और एक ही रात में पढ़ के खत्म कर दिया। ये नाटक मूलतः जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय एक बूढ़ी औरत का अपने मजहब और अपनी जो लोक होता है उससे क्या जुड़ाव होता है, इसके संबंध में यह पूरा का पूरा वीडियो रहा, मतलब ये पूरा का पूरा नाटक है। इसको भी पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। एक बुढ़िया होती है, लास्ट में उसकी डेथ होती है, आंसू आ जाएंगे आपको जब दिल से पढ़ेंगे तो। और इसके भी 12 नंबर फिक्स हैं। और उसी के साथ साथ आपकी इस निबंध है, इस निबंध में से कोई सा भी आप 4 पढ़ लेंगे, एक इसका भारतवर्ष उन्नत जो है, या तो बहुत पहले से ही पढ़े होंगे, इसको पढ़ लेंगे, और इसके साथ साथ आप लोग ऊपर के कोई 4 निबंध पढ़ लेंगे और उसको तैयार कर लेंगे, पढ़ने के लिए पूरा पढ़ेंगे, लेकिन विशेष तौर पे ऊपर का 4 ही तैयार करेंगे, क्योंकि 4 में से एक ना एक तो आ ही जाएगा, क्योंकि 4 निबंध आएंगे, एक ही करना होगा। तो ये मैंने आपको 51 नंबर की बात पे आज पूरा का पूरा डिस्कशन बताया। अब इसको पढ़ने के बाद आप लोग नोट्स बनाएंगे। देखिए, नोट्स को लिखने का तरीका जो है वो हर विद्यार्थी का अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि इस नोट्स का तो पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है कि आप लोग कैसे प्रश्न को लिखें, कैसे कोटेशन डालें बीच बीच में, जो आपके प्रश्न के उत्तर को सामान्य लोगों से अलग बनाएगा। जैसे आप लोग इस प्रश्न में देख पा रहे होंगे कि मैंने जब लिखा था, फर्स्ट ईयर में था, ये नोट्स बनाया था कि औपन्यासिक तत्वों के आधार पर निर्मला उपन्यास की समीक्षा कीजिए, तो पहले आप लोग सामान्य परिचय डालिए, और आप औपन्यासिक तत्व हो या कहानी कला हो या नाटक दृष्टि हो, इसमें 5 तत्व बहुत ही जरूरी होते हैं, जो हर बच्चे को जबान पे होना चाहिए अगर वो साहित्य का विद्यार्थी है। आप लोगों से क्लास में भी पूछेंगे, पहला होता है कथानक या कथा वस्तु, मतलब उसका स्वरूप क्या है, उसका एक ढांचा आप लोग बताएंगे। उसके बाद दूसरा पात्र योजना या चरित्र योजना, और तीसरा आपका है संवाद या कथोपकथन, इसमें संवाद क्या हुआ है, और चौथा देश काल या वातावरण, किस वातावरण में रचा गया है या किस वातावरण में लिखा गया है, और पांचवा होती है इनकी भाषा शैली क्या है। ये 5 तत्व हैं उपन्यास के, ये आप लोगों को याद होने चाहिए। उसके साथ ही जब आप लोग इसके बाद लिखेंगे ये, तो आप लोग पढ़ने के बाद अपने मन से तो लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कोटेशन जो डालने होते हैं, जैसे मैंने ये देखिए कोटेशन डाला हुआ था, जब ये आप लोग पढ़ेंगे, और ये रघुवीर सहाय जी की रचना है, जो मैथिली शरण गुप्त की है, जो उन्होंने लिखा था कि जैसे जब आप लोग निर्मला की दुराशा का वर्णन करेंगे, जब निर्मला की उस वेदना को दिखाने का प्रयास करेंगे, तो आप इसमें ये कोटेशन डाल सकते हैं कि अबला जीवन है तेरी तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये उस समय का वर्णन है कि जब निर्मला की मृत्यु होने के कागार पे होती है और एक बच्ची को जन्म देने वाली होती है, वो उस समय पे मैंने ये कोट डाला था, तो कितना सटीक बैठता है आप लोग समझ सकते हैं। तो ऐसे करके आप लोग नोट्स बना के ये 4-5 पेज में ऐसे ऐसे करके ये 500 पॉइंट के साथ क्लासेस होने से पहले आप लोगों को ये तैयार कर लेना है। उसी प्रकार ये नाटक का भी, नाटक पढ़ने के बाद आसानी से नोट बना पाएंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे। ये इतनी चीज पेपर सेकंड आप लोगों को पूरा का पूरा 10 से 15 दिन के अंदर में तैयार कर लेना है। इस नोट्स का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन इससे सिर्फ सीखना है, इससे छापना नहीं है। इससे सीख कर इसमें अपना जो तथ्य है, अपना जो क्या नाम से आपकी जो अपनी अवधारणा है उसको डालनी है।
इसमें आप लोगों का अपने के अलावा मतलब ये नहीं कि ही छाप लें, मतलब ये कि इसमें आप लोग अच्छे अच्छे जो शब्द मिलेंगे उसको अपने हिसाब से तैयार कर पाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को एक स्वरूप बताया पढ़ने का कि पेपर टू को कैसे तैयार करें। आप लोग आसानी से 70 में 75 में से 60 नंबर गेन कर सकते हैं अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद बचा आपकी कहानी एकांकी, तो इसे भी पढ़कर आप लोग व्याख्या कर सकते हैं। वैसे कहानी की भी क्लासेज आप लोग वहां पे ले सकते हैं कैंपस में जब चलेंगे तब। अभी मई में एग्जाम होना है लेकिन आप लोगों को पहला साल है, सतर्क रहना है, सारी चीज़ों से बच के रहना है, तभी सफलता मिल पाएगी। और एक आपकी जो सोच है, और उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बता दूँ कि जो यहाँ का जो भी सिलेबस है हिंदी साहित्य का सिलेबस, अगर आप लोग हिंदी साहित्य को ऑप्शनल रखना चाहेंगे यूपीएससी में, तो इसका भी जो जारी जो सारी कहानियां जो ये सब पढ़ रहे हैं जयशंकर प्रसाद का चिंता सर, ये सब मेंस में एज अ मेंस का सिलेबस जो है उसमें सब इंक्लूडेड हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतनी सारी बातें हुई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।